अब हम कान्हा की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी की कृष्ण भक्ति का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज प्रधानमंत्री मथुरा पहुंचे, मौका था मीराबाई की 525वीं जयंती का। वैसे तो कृष्ण की नगरी मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे थे। प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान आ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 20 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और पुजारी से प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मथुरा में चल रहे ब्रज महोत्सव में शामिल हुए, जहां मीराबाई की 525वीं जयंती पर उन्होंने एक विशेष डाक टिकट और 525 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह मथुरा दौरा दो वजह से सुर्खियों में रहा। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ही मथुरा वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर की सरकारी योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद बीजेपी में जोश है, जो हमेशा से कहती आई है कि अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा पहुंचने को एक और नजरिए से देखा जा रहा है। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार थम चुका है, यानी राजस्थान की सीमा में कोई राजनीतिक रैली या कार्यक्रम नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और मथुरा पहुंचकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इसकी दो वजह है, एक तो ये कि मथुरा की सीमा राजस्थान के भरतपुर से लगती है। राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मथुरा की ब्रज संस्कृति और उसका अच्छा खासा प्रभाव है। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में ब्रज बोली जाती है। दूसरी वजह है मीराबाई का राजस्थान से नाता। कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाली मीराबाई का संबंध राजस्थान से ही है। वो राजस्थान के पाली जिले के कुड़की गांव में पैदा हुई थी। उनका विवाह भी प्रसिद्ध मेवाड़ राजघराने में हुआ था। पूरे ब्रज क्षेत्र में और राजस्थान में भी मीराबाई को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में मथुरा की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ राजस्थान के वोटर्स को साधने की कोशिश की, बल्कि राजस्थान के हिंदू वोटर्स को भी संदेश दे दिया है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। जीनी